महाराष्ट्र के अकोला में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण कथा के सातवें मतलब अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अंतिम दिन की कथा आप जरूर सुनिए, क्योंकि अंतिम दिन की कथा में आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्राप्त होता है जो आपका जीवन बदल देता है। उसी श्रृंखला में आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं। आज की कथा बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली थी। आज की कथा में गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है, जिसमें आपको एक कलश जल और दो बेलपत्र का उपयोग करना है। वह उपाय आपको कब और कैसे करना है उसकी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। उपाय हम आपको वीडियो में करके दिखाने वाले हैं। साथ ही पहले दिन की कथा में गुरुजी ने एक मनचाही शादी अर्थात मंगल विवाह वाला एक नया उपाय बताया था। उस उपाय का भी वीडियो हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, उपाय हम आपको इसी वीडियो में करके दिखाएंगे, ताकि वह उपाय भी मनचाही शादी वाला उपाय भी आपको आसानी से समझ में आ सके। इसलिए वीडियो आप अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल की वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि भोलेनाथ की प्रथम पत्नी कौन है, जिसका सही उत्तर है माता सती। और आज के वीडियो का प्रश्न आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है, जो कि इस प्रकार है, मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, 1, 2, 3 या फिर एक भी नहीं। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर भी आपको अगली कथा के वीडियो में जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपकी जितनी चादर हो आपको उतना ही पाँव पसारना चाहिए। आपको अपनी दृष्टि से ही दुनिया देखना चाहिए, आपको दूसरों को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। अगर आप दूसरों को देखकर जियोगे तो आप अपने जीवन में दुख और निराशा ही पाओगे। आप स्वयं कर देखकर अपना जीवन व्यतीत करोगे, जितनी चादर है उतना ही पांव पसारोगे, तो आप हमेशा जीवन में सुखी रहोगे, खुश रहोगे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको अपने घर में एक कंट्रोल रूम बनाना चाहिए। अगर घर में किसी व्यक्ति को क्रोध आ जाए तो वह व्यक्ति उस रूम में जाकर गीता या रामायण पढ़े, जिससे उसका क्रोध शांत हो सके और वह अपने गुस्से में कंट्रोल कर सके। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव पुराण वाचने वाले के अंदर भी शंकर का विश्वास होना चाहिए, तभी वह शिव महापुराण कथा के सुनने वालों के अंदर शंकर का विश्वास उत्पन्न कर सकता है, पैदा कर सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। सरला खंडेलवाल जी सिरोंज महाराष्ट्र से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 40 से 50 वर्ष हो गए हैं कथा सुनते सुनते, पर ऐसा नज़ारा कभी भी नहीं देखा। हमने पिछले 40 वर्षों में ऐसा शिव महापुराण का भव्य आयोजन कहीं नहीं देखा। लाखों भक्त आते हैं और जो भी भक्त आता है वह अपने बैग में कुछ ना कुछ खाने को जरूर लाता है और दूसरों को खिला कर जाता है। और ना ही शिव महापुराण का कहीं अनाउंसमेंट होता है, ना ही कहीं ऑटो घूमता है, ना ही कोई पर्चा बनता है, फिर भी लोग लाखों की संख्या में पहुंच जाते हैं। यह शिव पर ही विश्वास है, यह शिव की ही कृपा है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। प्रेम सिंह जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी हम 5 बहनें हैं, सभी बहनें कथा पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं। 3 मई को हमारी बहन जो आ रही थी उसकी बहू को डिलीवरी थी, और डिलीवरी के बाद बच्चे की आंख नहीं खुली, और 3 दिन हो गए बच्चे की आंख नहीं खुली। डॉक्टर ने कह दिया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके बाद हमारी बहन रोने लगी। हमने कहा, रो मत, शंकर पर विश्वास रखो, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जल चढ़ाओ और उस जल को बुलवा कर उस जल को बच्चे की आँख में लगवाओ। उसने ऐसा ही किया और जल लगाए 20 ही मिनट हुए थे कि बच्चे ने आँख खोल दी। उसी का आभार व्यक्त करने हम सब कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय दोनों का मतलब होता है भोलेनाथ को नमन करना, प्रणाम करना। शिव महापुराण में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का महत्व का वर्णन देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप पत्थर की मूर्ति को पत्थर मानोगे तो वह हमेशा पत्थर ही रहने वाला है, पर अगर आप उस पत्थर की मूर्ति में ईश्वर मानोगे तो उस पत्थर में भी ईश्वर स्वयं आकर बैठ जाएगा और आपके सामने साक्षात होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बाबा के 3 मतलब होते हैं। बाबा हम अपने घर के छोटे बच्चों को भी बोल देते हैं, बाबा हम अपने पिता को भी बोल देते हैं, बाबा हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों को भी बोल देते हैं। उसी तरह भोलेनाथ भी हमारे लिए सब कुछ हैं। हमारे दुख तकलीफ कष्ट में हमें भोलेनाथ का ही साथ लेना चाहिए, उन्हें बाबा मानकर अपने जीवन के हर कष्ट उनके ऊपर सुपुर्द कर देना चाहिए और हमें बेफिक्र से भोलेनाथ के सहारे जीवन यापन करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा,
आपको लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत तकलीफ है, कष्ट है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, मेरे बच्चे का अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, तो आप यह सब अपनी परेशानी समझ रहे हो क्योंकि आप इसमें मेरा बोल रहे हो, मेरा बच्चा, मेरा व्यापार। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको भोले बाबा पर विश्वास रखना है और आपको यह बोलना है कि भोलेनाथ आपकी ही बेटी है, भोलेनाथ आपका ही व्यापार है। ऐसा मान लिया आपने तो आपने अपनी परेशानी स्वयं की नहीं मानी, वो भोलेनाथ के सहारे हो गए। तो ऐसे में भोलेनाथ आपकी परेशानियों को दूर करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं और आपको सभी परेशानियों से दूर कर देते हैं। बस आप अपना विश्वास भोलेनाथ पर बनाए रखिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, तीन चीज़ें सभी के पास होती हैं, तन, मन और धन। आप तन और धन अपने परिवार को, बच्चों को, बीवी को दे दो चलेगा, पर आप अपना मन महादेव को ही दें। ऐसा करने से आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी है जो आप कब और कैसे करना है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, पर उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। जिनके जीवन में बहुत परेशानियाँ चल रही हों, कष्ट चल रहा हो, पैसों की कमी हो, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा हो, मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो, तो आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 बेलपत्र और 1 कलश जल लेकर शिवालय पहुंचाना है। शिवालय पहुंचने के बाद 1 बेलपत्र को आपको जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान के से जल होता हुआ जहाँ से नीचे गिरता है वहाँ पर अर्पित करना है। मतलब आप यह समझिए, आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस बेलपत्र को अर्पित नहीं करना है, जहाँ से जल एकदम आखिरी से गिरता है वहाँ पर आपको 1 बेलपत्र को अर्पित करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो और बीच वाली पत्ती का मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए, जैसा कि हमने भी आपको वीडियो में अर्पित करके दिखाया है। इस प्रकार से 1 बेलपत्र अर्पित करें, इसके बाद दूसरी बेलपत्र ले लें और जहाँ पर बैठकर आप यह उपाय कर रहे हैं वहाँ से उस बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर हो, मतलब बीच वाली पत्ती का मुख आपकी ओर हो। इस प्रकार से आप इस दूसरी बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। यह उपाय आप ध्यान से करें और वीडियो में देखकर आसानी से समझ जाएं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। अब दोनों बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको 1 कलश जल लेना है और इस 1 कलश जल के आपको 10 भाग करना है, मतलब आप जल जब चढ़ाएंगे तो 5-5 बार करके दोनों बेलपत्र में चढ़ाना है। सबसे पहले जो बेलपत्र जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है वहाँ पर अर्पित है, उस बेलपत्र के ऊपर आप 5 बार इसी कलश से जल अर्पित कर दें। इसके बाद बचा हुआ जल का 5 भाग आप शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र अर्पित है उसके ऊपर अर्पित कर दें। उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय, आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह उपाय गुरुजी ने आपको प्रत्येक माह में जो मासिक शिवरात्रि आती है उसमें करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है अगर आप इस मासिक शिवरात्रि में यह उपाय करेंगे तो अगली मासिक शिवरात्रि जब आएगी तो आप जिस मनोकामना के लिए, जिस परेशानी के लिए यह उपाय कर रहे हैं वह जरूर पूरी हो जाती है, परेशानी दूर हो जाती है, मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है, यह मनोकामना आपको पूरी होती हुई नज़र आने लगती है। यह उपाय मासिक शिवरात्रि का एक विशेष उपाय है जिसे आप मासिक शिवरात्रि में सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। आप रोग मुक्ति के लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। जो भी आपकी मन में कामना हो उसको मन में रखते हुए आप यह उपाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कल एक पत्र पढ़ा था जिसमें गुरुजी ने बताया कि वह महिला ने लिखा था कि मुझे संतान नहीं थी, बड़ी मुश्किल से गर्भ ठहरा, उसके बाद गर्भ में दर्द हुआ जिसकी वजह से 5 से 5.5 ही महीने हुए थे कि बच्चे ने जन्म ले लिया, क्योंकि 9 महीने पूरे नहीं हुए थे तो ऐसे में बच्चा पूर्ण विकसित भी नहीं था, जिसे देखकर डॉक्टर ने कह दिया था कि यह जीवित नहीं रह सकता। इसके बाद वह माँ जो बिस्तर में लेटी थी, पलंग में लेटी थी, उसने कहा कि मैं शिव महापुराण की कथा सुनती हूँ, मेरा बाबा पर पूरा विश्वास है, अगर उसने संतान दी है तो वह जीवन भी देगा, सब बाबा के ऊपर छोड़ दो, बाबा कृपा करेंगे। और उसने कहा कोई मंदिर जाओ और मंदिर पर शिवलिंग पर चढ़ी हुई 1 बेलपत्र को ले आओ और मेरे बच्चे के पास रख दो। डॉक्टर ने बेलपत्र रखने को मना किया पर माँ ने कहा कि आप तो कह रहे हैं कि बच्चा जीवित नहीं बचेगा तो सिर्फ 1 बेलपत्र रखने से क्या होता है। इसके बाद 3 से 4 महीने हुए, बच्चा बचता रहा, आईसीयू में रहा, कभी पेटी में रहा, इस प्रकार से बच्चा बचते बचते अंत में बच गया। अभी बच्चा पूरी तरीके से ठीक है, स्वस्थ है, जीवित है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम पत्र लिख रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा महादेव ना भांग पीते हैं, ना चरस पीते हैं, ना ही अफीम पीते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि महादेव क्या पीते हैं, तो महादेव
जो व्यक्ति एक लोटा जल अर्पित करता है शिवलिंग पे, उसके दुख तकलीफ कष्ट और बीमारियों को पी लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक नया उपाय बताया था जो कि इसी समर्थ शिव महापुराण कथा के पहले दिन बताया था। वह उपाय किन्हें करना है पहले आप यह समझ लीजिए। जिन बेटा बेटी का मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, मतलब आपके घर में अच्छे रिश्ते भी आना बंद हो गए हों और आप चाहते हो कोई ऐसा रिश्ता मिले जिसमें आपका सत्कार हो, सम्मान हो, आदर हो, तो उसके लिए आपको यह उपाय करना है। मनचाही शादी के लिए, अच्छे रिश्ते प्राप्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है आपको एक बेलपत्र लेना है और एक दूर्वा लेना है। अब इस एक बेलपत्र और इस एक दूर्वा को लेकर आपको शिवालय पहुँचाना है। शिवालय पहुँचने के बाद इस एक बेलपत्र और एक दूर्वा को आपको नंदीश्वर को स्पर्श कराना है, मतलब नंदी भगवान जो शिवालय में होते हैं उनको स्पर्श कराना है। आपको वहाँ पर छोड़ना नहीं, अर्पित नहीं करना है, सिर्फ स्पर्श कराना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी रहती है उस पर आपको इस बेलपत्र और इस दूर्वा का स्पर्श कराना है। इसके बाद अंत में इसे आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। यह एक विशेष उपाय है जो कि मंगल विवाह, शीघ्र विवाह या फिर मनचाही शादी के लिए आप कर सकते हैं। यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं, पर यह उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन ही करना है। आगामी सोमवार की अष्टमी 26 जून और 10 जुलाई को है, जिस दिन आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, जो वर या वधु की आपको प्राप्ति होगी वह श्रेष्ठ होगी, आपका आदर करने वाली होगी, कभी बात तलाक तक नहीं पहुंच सकती, जीवन में सुख और शांति देखने को मिलेगी। आज की कथा बहुत आनंद प्रदान करने वाली थी। आज की कथा में बताए गए सभी उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का जरूर उत्तर देंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।